एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक बिसोली में स्थित छिबरू कला गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 15 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 50 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने ओमवीर सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2800 की आबादी एवं 1350 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 410 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला जूनियर हाई स्कूल में लगभग 365 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 15 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 50 विद्युत पोल, एक विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, 5 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने 1100 सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पानी की टंकी, शमशान घाट, कब्रिस्तान व धर्मशाला की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान ओमवीर सिंह, ग्राम छिबूकला, ब्लॉक बिसोली, जिला बदायूं, तहसील बिलसी। जो धन सरकार से आया वो मैंने ईमानदारी के साथ खर्च किया और गाँव का विकास किया, और उसके बाद भी बहुत कम धन आने के कारण सरकार से बहुत सी समस्या गांव में है। जैसे बिजली की सबसे मुख्य समस्या बिजली की है। 35 साल पुरानी लाइन है, कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, आज तक लाइन सही नहीं है। कभी टूटी फूटी हैं, धन कम आने के कारण सरकार से मतलब गाँव से जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हो पाए। धन सरकार में आएगा तो उसको ईमानदारी से खर्च करेंगे, लेकिन धन कम आ रहा है।